अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज है शबे बारात। आज की रात बहुत फजीलत अल्लाह ताला ने इस रात में रखी है। आज की रात बहुत बरकतों वाली रात है, इबादतों वाली रात है। आज की रात हम सब के नामाए आमाल खोले जाते हैं, हमारे जितने भी गुनाह पिछले साल में हुए हैं या हमने जो भी नेकियाँ की हैं, आज उन सब का हिसाब किताब होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि जाने अनजाने में अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो या मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और इतनी फजीलतें आज की इस रात में है कि अगर आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें तो यकीन मानो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में आप सबको बख्श देगा। लेकिन आज की रात को मेरे दोस्त जागने की रात कहते हैं और बाइक लेकर घूमने को निकल जाते हैं, ग्रुप बना बना कर घूमते हैं। तो मेरे दोस्त, तो ये रात आज की आपको घूमने के लिए नहीं बनाई गई है। आज के लिए प्लीज़ आज ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अल्लाह ताला की, और रो रो कर दुआ मांगे या मेरे मौला हमसे जो भी खताएं हुई हैं उसको बख्श दे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बख्श देगा। और ये मेरा मैसेज मेरे दोस्त तक पहुंचाने का बस यही था कि आप लोग मेरे हक में दुआ करें, मेरी गलतियों को अगर आपका दिल दुखाओ तो मुझे माफ़ करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी गलतियों को भी माफ़ फरमाए। तो दोस्तों, प्लीज़ आज की रात को घूम कर ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, गिड़गिड़ा कर रो रो कर भीख मांगे कि या मेरे मौला हमारी खताओं को बख्श दे, हमें माफ़ फरमा दे, क्योंकि हम सब बेहद गुनाहगार हैं। हर सांस पर, हर कदम पर कुछ ना कुछ हम गुनाह करते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, मेरी इस बात को समझें और अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आज की रात आपको घूमना नहीं है, इबादतें करना है। अस्सलामु अलैकुम।